इनकी खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामने, इस दुनिया में जिन लोगों को अपने बचपन की ज़ईफ़ी का इदराक और एहसास होता है, वो बूढ़ों का सहारा बन जाते हैं। जो शख्स ये जानता हो कि पैदाइश के वक्त वो कितना ज़ईफ़ था, वो अपने बूढ़े वालिदैन की ज़ईफ़ी को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जिस शख्स को अपने बचपन की ज़रूरतें याद हों, वो अपने वालिदैन के बुढ़ापे की ज़रूरतों से कैसे आंखें चुरा सकता है। जिसे ये याद हो कि बचपन में उसके वालिदैन उसे किस तरह अपने सीने से लगाए रखते थे और हर वक्त अपनी आंखों की रोशनी में रखा करते थे, वो बूढ़े वालिदैन को कभी भी तनख्वाह कैसे छोड़ सकता है। जिसे ये अंदाज़ा हो कि बचपन की तकलीफ़ों पर उसके वालिदैन किस तरह बेचैन हो जाया करते थे और उनकी तवज्जो से किस तरह तकलीफ़ें दूर हो जाया करती थी, वो अपने बूढ़े वालिदैन को तकलीफ से तड़पते हुए और दर्द से कराते हुए देखकर कैसे बेगम और बेफिक्र रह सकता है। सामिन, तमाम ज़मीनी मखलूकात में इंसान की खास बात यह है कि वो पैदाइश के बाद अपने वालिदैन का सबसे ज़्यादा और सबसे तवील अरसे तक मोहताज रहता है। इंसान का ज़ईफ़ी से भरपूर बचपन तवील बरसों पर मुश्तमिल होता है। यह बात भी मुशाहदे में आई है कि अपने बच्चों की ज़ईफ़ी में मजबूत सहारा बनने वाले अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के ज़रूरतमंद हो जाते हैं। शायद कोई और ज़मीनी मखलूक बुढ़ापे में अपने बच्चों की ज़रूरतमंद नहीं होती। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को ज़मीनी मखलूकात में आला मकाम अता किया है और इसे बेशुमार इम्तियाजी खूबियों और खसूसियात से नवाजा है, और इन खूबियों और खसूसियात की हिफाजत के लिए इंसान के तवील बचपन को वालिदैन की अच्छी निगहदाश्त से जोड़ दिया है, जबकि वालिदैन के बुढ़ापे को औलाद के अच्छे सलूक से जोड़ दिया है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वालिदैन की फितरत में औलाद की मोहब्बत इस तरह से रख दी है कि वो किसी के कहे बिना ही अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और बचपन की ज़ईफ़ी से बाहर निकलने तक उनकी कुव्वत और उनका सहारा बनते हैं। ये सिफत वालिदैन की फितरत में शामिल कर दी गई है, लेकिन वालिदैन के बुढ़ापे में औलाद उनके साथ अच्छा सलूक करे, इसे फितरत का ज़रूरी हिस्सा बनाने के बजाय इंसान की अखलाकी हिस में रख दिया गया है। और इस अखलाकी हिस को ज़िंदा रखने के लिए कुरान हकीम में इसकी बार बार ताकीद की गई है। तो मालूम हुआ कि वालिदैन औलाद पर जान छिड़कें, ये फितरत का लाजमी तकाजा है, और औलाद वालिदैन पर जान छिड़के, ये अखलाक का ज़रूरी तकाजा है। और इस अखलाकी तकाजे को पूरा करने की ताकीद कुरान हकीम में बार बार आई है। जिन इंसानों की फितरत मस्क हो जाती है, वो औलाद की परवरिश से फरार इख्तियार कर लेते हैं, और जिन इंसानों के अखलाक मस्क हो जाते हैं, वो अपने वालिदैन के हुकूक से फरार इख्तियार कर लेते हैं। याद रखिए, ये दोनों ही बड़े भयानक जुर्म हैं। ये बात भी आपके मुशाहदे में आई होगी कि कुछ लोग अपने लड़कपन या जवानी में वालिदैन के किसी फैसले या रवैये को लेकर इस कदर नाराज हो जाते हैं कि अपने बचपन के सारे हालात, वालिदैन की इनायात, मोहब्बत और प्यार और उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर वालिदैन से बेजारी और लातालुकी रखते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। आपके लड़कपन या जवानी में वालिदैन का आपके साथ कैसा ही रवैया हो, आप ये हरगिज़ ना भूलें कि आपका बचपन उनकी मोहब्बत और तवज्जो के साए में गुजरा है, इसलिए उनका बुढ़ापा आपकी तवज्जो और मोहब्बत के साए में गुजरना चाहिए, खा इस दौरान में कैसे ही तल्ख वाकयात पेश क्यों ना आए। सामिन, वालिदैन के साथ औलाद का सलूक कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए कुरान हकीम एहसान का हुक्म देता है। एहसान का मतलब वो अच्छे से अच्छा सलूक है जो आपके ख्याल और इम्कान में आ सकता हो, और फिर ख्याल और इम्कान के दायरे को वसी तर करने के लिए कुरान हकीम माँ की उन तकलीफों और मुशक्कतों का जिक्र करता है जो वह बच्चे की पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद उठाती है। जिस शख्स को इन तकलीफों और मुशक्कतों का अंदाज़ा हो जाता है, वो अपने ज़ईफ़ वालिदैन की हर खिदमत को आसान समझता है और हर खिदमत के बाद महसूस करता है कि अभी हक अदा नहीं हुआ। यह भी इंसान का इम्तियाज़ है कि उसे बचपन में दादा दादी और नाना नानी की शफ़क़तें हासिल होती। दूसरी मखलूकात में ये रिश्ता मौजूद नहीं है। दादा दादी और नाना नानी को बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ पोते पोतियों और नवासे नवासियों की मोहब्बत और तवज्जो से बड़ी खुशी और तसल्ली मिलती है। उनसे मिलने वाली उनसियत और रौनक के मामले में
उनके लिए बुढ़ापे का बोझ उठाना आसान हो जाता है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को अपने ज़ईफ़ बुजुर्गों की खिदमत करने और उनका दिल बहलाने की तरकीब भी दें और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मौके भी फराहम करें। इस तरह आप अपने बच्चों का अच्छा मिजाज डेवलप करते हैं और उन्हें इसकी अमली तरबियत देते हैं कि खुद आपके बुढ़ापे में आपके साथ उनका रवैया कैसा होना चाहिए। आज के इस जमाने के हालात की रोशनी में हो सकता है आपको अलहदा सुकूनत की जरूरत हो। नौकरी और मुआश के तकाजे या फिर बीवी के मुतालबे आपको वालिदैन से, खास तौर पर माँ से, अलग रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर कर दें। ऐसी सूरत में आप पर फर्ज है कि वालिदैन के साथ गुजारने के लिए इतना वक्त जरूर निकालें जो उनके लिए तसली बख्श हो। आप अपनी तमाम मसरूफियात में इस मसरूफियत को भी लाजमी करार दें और किसी भी वजह से इस काम में कोताही और इस वक्त में कटौती न करें। याद रखिए कि अलग रिहाइश वालिदैन की खिदमत से सुबकदोशी इख्तियार करने की वजह नहीं बन सकती। जो लोग 60-70 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं उन्हें याद होगा कि उनके बचपन का जमाना आज के इस दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जमाने के बदलने के साथ वालिदैन की खिदमत के बहुत से तरीके नई नस्ल से दूर हो गए हैं। वालिदैन के पैर दबाना, उनके सर पर तेल की मालिश करना, उनके शौक के मुताबिक उन्हें तोहफे देना, उनकी तफरी का इंतजाम करना, उनकी बातें तवज्जो से सुनना, ये बातें अब तकरीबन खत्म हो गई। लेकिन याद रखिए कि जमाने की इस तब्दीली ने वालिदैन की ये जरूरतें खत्म नहीं की बल्कि औलाद को इन जरूरतों से गाफिल और लापरवाह बना दिया है। खुशनसीब हैं और सआदतमंद हैं वो लोग जो आज के इस दौर में अपने वालिदैन की जरूरतों से गाफिल नहीं है। सामिन, बुढ़ापे में बहुत से लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती, चीजें रख कर भूल जाना और फिर उन्हें ढूंढते रहना, ये आम सी बात है। रात के वक्त गाड़ी ड्राइव करते हुए रास्ता भूल जाना यह भी बुढ़ापे की देन है। बुढ़ापे में माँ बाप का मिजाज भी बदल जाता है, उनमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और ये एक फितरी अमल है। अगर वो औलाद के साथ ज्यादती कर बैठे तो औलाद को चाहिए कि वह बर्दाश्त से काम ले। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना ताला से पूछा कि ऐ बारी ताला, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इरशाद फरमाया कि फलां कसाई जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। ये सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई को देखने के लिए गए। उसके पास पहुंचे, आपने देखा कि वो आम सा आदमी है और बड़े इत्मीनान से गोश्त काट रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि यह जन्नत में मेरा साथी कैसे हो गया। इसी दौरान में वो कसाई अपने काम से फारिग हो गया और उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और थैले में डाल लिया और फिर चल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ चल दिए। जब वो घर पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसकी इजाजत से उसके घर में मेहमान के तौर पर दाखिल हो गए। कसाई ने उन्हें बिठाया और जल्दी से गोश्त के टुकड़े किए, साधन तैयार किया, आटा गूंथा, रोटी पकाई। वहां एक बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी हुई थी, इंतहाई लागर और कमजोर। कसाई ने उसे उठाया और कहा, खाना खा लीजिए। उसने मां को सहारा देकर उठाया और उसे अपने हाथ से लुकमे बनाकर खिलाता रहा। खाना खाने के बाद जब वो मां को लिटाने लगा तो वो मुंह से कुछ बोली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे हुए थे, वो सुन न सके कि वो क्या कह रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई से पूछा, ये औरत कौन है? तो वो कहने लगा कि ये मेरी माँ है, मैं सुबह इसकी खिदमत करता हूँ, इसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करके घर से निकलता हूँ और जब घर वापस आता हूँ तो इसकी खिदमत में लग जाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ये तुम्हें कुछ कह रही थी? तो कसाई ने कहा, माँ है ना, मैं जब भी इसकी खिदमत करता हूँ तो ये कहती है, बेटा अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। अब मैं ठहरा एक कसाई, आम सा आदमी, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, तुम्हारी मां ने तुम्हारा काम बना दिया, तुम्हारी आखिरत संवार दी। वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त औलाद का इम्तहान शुरू होता है। अब औलाद अगर वालिदैन की खिदमत भी करे लेकिन उन्हें कुछ मामलात में नजरअंदाज कर दे और अपनी मनमानी करने लगे तो उनका यह तर्ज अमल वालिदैन के लिए इंतहाई तकलीफ का बाइस होता है।
उन्हें अपने इख्तियारात सिमटते हुए दिखाई देते हैं और वो तन्हाई और बेचारगी महसूस करने लगते हैं। बुढ़ापे में औलाद वालिदैन को नजरअंदाज करने लगे तो यह रवैया इंतहाई तकलीफ का सबब बनता है। इसी तरह औलाद इतनी सरकश हो जाए कि अपने बूढ़े वालिदैन को दकियानू समझने लगे और घरेलू मामलात में वालिदैन को इन्वॉल्व करने की इजाजत न दे, तो इस रवैये से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती। याद रखिए, माँ बाप की खिदमत सआदतमंदी का रास्ता है। माँ बाप को नजरअंदाज कर देना, माँ बाप की बेअदबी करना, माँ बाप की तौहीन करना, उन्हें दकियानूस समझना, उन्हें कमतर जानना, माँ बाप के साथ रवैयों में सख्ती पैदा करना, यह इंतहाई गुनाह की बात है। कुरान हकीम में इरशाद है कि माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सुकेड़ लो। आपने देखा होगा कि परिंदा जब उड़ता है तो अपने बाजुओं को या अपने परों को फैला देता है और फिर वो उड़ान भरता है, और जब वो जमीन पर उतरता है तो अपने परों को यानी बाजुओं को समेटता चला जाता है। तो कुरान हकीम ने कितनी खूबसूरत मिसाल दी है कि अपने वालिदैन के लिए बाजुओं को सुकेड़ दो। आप किसी इदारे में बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वजीर हैं, बहुत बड़े मुफ्ती या आलम दीन हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, हाकम शहर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर या सर्जन हैं, लेकिन जब आप अपने वालिदैन की चौखट पर आए तो अपने बाजुओं को सुकेड़ लें और बेटे बनकर आए, अपने तमाम टाइटल्स को पसे पुश डालते हुए अपनी माँ की आगोश में आए, माँ की खिदमत में हाजिर हो जाए, अपने वालिद के पास बैठें। अब जब कारोबारी जिंदगी में आप दोबारा उड़ान भरेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको और इज्जत और कामयाबी से नवाजेगा। इस दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में अजीम रिश्ता माँ बाप का है। अगर आप 70 साल तक खाने काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे तब भी आप आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो आपकी बदसलूकी की वजह से आपके माँ बाप की आंख से निकलता है। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। और सामिन, इन कलमात के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइंदा मुलाकात तक के लिए महमूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।